बैंड और फिर उसके बाद कल इन्होंने रवाना होना है। प्रेशर तो यकीनन है, आप देखें भारतीय मीडिया ने तो एक इश्तिहार भी बना दिया, एक सरदार जी है और एक पाकिस्तानी है, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, वरना पहले वो मौका के ऊपर एड भी बनता है, जवाब भी दिया जाता है। और ये जो मौका मौका बहुत बार सुनाया जाता है ना, मैं तो इस दफा अल्लाह ताला से हाथ जोड़ कर कह रही हूँ कि प्लीज 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 ये मैच हमें जरूर जितवा दें। अब जो हाइप सकते हो, पाकिस्तानी मीडिया में माहौल बन चुका है, 24 तारीख का इंतजार है, भारत पाकिस्तान का जो T20 मैच होना है, मौका मौका का एक नया ऐड आया है जिसको लेकर पाकिस्तान के रिएक्शन आने लगे, और आपको भी पता है कि मौका मौका से पाकिस्तानी बहुत चिढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो को देखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी आप प्लेइंग 11 जरूर लिखें जो कि भारत की खेलेगी आपके हिसाब से। वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में इस टॉपिक पर कुछ करते हैं बात। ऑब्वियसली अब इनमें से अब सिलेक्शन तो नहीं हो सकती, लेकिन ऑब्वियसली इनमें से सिलेक्टेड लोग भी हमारे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप की जो तैयारी लग रही है, कल टीम में रवाना होना है यूएई और आइंदा चंद दिनों में जब ट्रेनिंग होगी, तो 24 को भारत से पहला मैच भी है, तो प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा सा इस पर बताइएगा कि कितना प्रेशर लेना चाहिए, वो तो एक नेचुरल बात है होगा। देखिए अब उधर कल तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आराम किया, आज सिनेरियो का एक आपस का मैच खेलेंगे, सिनेरियो मैच, और फिर उसके बाद कल इन्होंने रवाना होना है। प्रेशर तो यकीनन है, आप देखें भारतीय मीडिया ने तो एक इश्तिहार भी बना दिया, एक सरदार जी है और एक पाकिस्तानी है, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, वरना पहले वो मौका मौका का बड़ा मशहूर इश्तिहार उन्होंने बनाया हुआ था। हम लोग भी उन्हें जवाब देते हैं, जब पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच होता है तो समझ लीजिए सब हालतें जंग में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि लड़ाई होने जा रही है, लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। हालांकि अभी देखे सीमल, अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन अभी से हाइप बनना शुरू हो गई, और मुझे लग रहा है कि जब मैच होगा तो उस दिन तो गलियां और सड़कें सब सुनसान होंगी, और सब लोग पाकिस्तान इंडिया का और T20 मैच है वो देख रहे होंगे, लेकिन प्रेशर तो होगा। कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबर आजम ने ये वाजे कर दिया कि इनिंग्स जो है वो रिजवान के साथ वो खुद ओपन करेंगे, इसका मतलब है फखर जमान का चांस शुरू में इनिंग ओपन करने का नहीं रहा, शायद उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम पूरी जीत रखती है, और भारत की टीम में अगर आप देखें तो शिखर धवन, विराट कोहली, केआर राहुल और उसके अलावा ऋषभ पंत, उनकी टीम भी अच्छी है, लेकिन वो बात नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज गॉट अ वेरी गुड चांस अगर ये अच्छा खेले, बिल्कुल अब दिल लगाकर खेले, अच्छी हो और हमारे दिल लगाकर तो खेलते ही है सीमन, कब ये बगैर दिल लगाए खेलते हैं, क्योंकि तो इनको जीतना चाहिए सर, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिल लगाना पड़ेगा, जो इधर उधर दिल लगे हुए हैं ना वो भी ग्राउंड में लाने पड़ेंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने एड्स का जिक्र किया तो ठीक ठाक तमाशा लगता है, ये कंपैरिजन जो है ना ये सिर्फ ग्राउंड तक नहीं होता, सोशल मीडिया के ऊपर वॉर्ड्स भी होती है, टॉप ट्रेंड्स भी चलते हैं, एड्स के ऊपर एड भी बनता है, जवाब भी दिया जाता है, और ये जो मौका मौका बहुत बार सुनाया जाता है ना, मैं तो इस दफा अल्लाह ताला से हाथ जोड़ कर कह रही हूँ कि प्लीज 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 ये मैच हमें जरूर जितवा दें। अब जो हाइप क्रिएट कर रहा है इंडियन मीडिया वो ये जोड़ी को लेकर कर रहा है, हमारी जो फेवरेट है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और फिर आपको पता है कि वो कितना, मैं ये सोच रही हूँ कहीं नजर तो नहीं लगा देंगे। नहीं बिल्कुल, बाबर आजम और रिजवान पे बहुत डिपेंड करता है, दिल भी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर में भी होंगे, लेकिन आपको पता है कि 125 अरब की आबादी का मुल्क है भारत, वहां पर मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो कैंपेन तो शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से साइकोलॉजिकली। अब आप देखें सोशल मीडिया पर, इवन मेरे ट्विटर अकाउंट पर जो है भारतीय लिख रहे हैं कि बस तुम्हारी टीम तो ऐसे ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइप बन रही है, और अभी तो टाकरा शुरू हो जाएंगे, कई चैनल्स पे टाकरे शुरू हो जाएंगे, कि यहाँ के एक्सपर्ट यहाँ बैठेंगे, भारत के एक्सपर्ट वहां बैठेंगे, और लोगों के लिए ये कमाई का भी जरिया है। दरअसल इस पे जब भी पाकिस्तान भारत का मैच होता है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये वायबल होता है, बड़े फवायद होते हैं और बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो दुआ करें, आपने दुआ मांगी हाथ जोड़ के सीमल, तो अल्लाह से दुआ करेंगे इस मर्तबा मौका हमारे पास आए। वर्ल्ड कप आमीन, आमीन, आमीन। मैं तो आयतल कुर्सियां पढ़ पढ़ के भी फूंकती हूं तमाम प्लेयर्स। मसला ये ना, दुआ तो सिर्फ सभी कर रहे होते हैं, मसला यहाँ पर ये है कि रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा इतने ज्यादा भी प्रेशर ना हमारे प्लेयर्स पे कर दें कि वो फिर रिकॉर्ड में आगे एक और एंट्री कर दें। इसके अलावा आपने थोड़ा जिक्र किया इंडिया का, कि इंडिया की टीम, लेकिन इंडिया के अंदर जो IPL अभी टीम प्लेयर्स करके आ रहे हैं, IPL में बहुत ज्यादा तगड़ी मेरा ख्याल है ट्रेनिंग होगी ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, तो वो भी बड़ा पंप अप होंगे, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया की टीम अच्छी है। बिल्कुल आपने सही कहा, अब इंडिया ने पहले रखे थे 5 स्पिनर्स, अब उन्होंने एक स्पिनर को अक्षर पटेल को बाहर करके उसकी जगह शरदुल ठाकुर जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर है, उन्होंने उनको रखा है, उनकी टीम में 4 स्पिनर्स हैं। अब वो कितने खिलाते हैं
रविचंद्रन अश्विन को वापस ले आए, रविंद्र जडेजा उनकी टीम में शामिल है, तो और एक चकोर भर्ती है वो भी उनकी टीम में शामिल है, चहर उनकी टीम में शामिल है, तो उनकी टीम अच्छी है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें एडवांटेज भी है कि वो वहां यूएई की विकेटों से हम मांग हो रहे हैं आईपीएल खेलकर, और हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, हमने दो प्रैक्टिस मैचेस खेलने और उसके बाद भारत से मैच खेलना है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट जाकर भारत से खेलेंगे, तो हमें एडवांटेज होगा, दुआ करें हम अच्छा परफॉर्म करें। T20 तो 3 घंटे की एक फिल्म होती है जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, छक्के चौके भी होते हैं, प्रेशर भी होता है, तो देखें पाकिस्तान इस प्रेशर को किस तरह से सस्टेन करता है। इंशाल्लाह जी, उम्मीद बहुत अच्छी है और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, एटलीस्ट हमें अपने प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं डालना और हमें उनका साथ देना है, और अगर अच्छा जबरदस्त खेलेंगे तो हम जीतने का फुल पोटेंशियल रखते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही थी भारत और पाकिस्तान का जो मैच है उसकी, और पाकिस्तान के जो मतलब जो भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे वो कह रहे हैं कि भारत की टीम उतनी स्ट्रांग दिख नहीं रही है। हालांकि डॉक्टर नोमान न्याज का भी मैंने थोड़ा सा क्लिप लगाया था जिसमें वो पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की बात कर रहे थे। दोस्तों चलिए, ये तो अब उनका रवैया है, वो तो बोलेंगे कि हमारी टीम अच्छी है, हम बोलेंगे हमारी टीम अच्छी है, लेकिन आपको भी पता है T20 मैचेस और स्पेशली UAE में जो मैचेस हो रहे हैं, दुबई का तो ग्राउंड ठीक ठाक है लेकिन शारजहाँ और अबू धाबी का भी ठीक ठाक है, शारजहाँ का तो इस टाइम मुझे ऐसा लगता है रेत में मैच हो रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब आउटफील्ड भी घटिया, पिच भी अजीब सी, ऐसे मैचेस में मजा नहीं आता। तो दोस्तों जो 24 तारीख को मैच होना है उसमें आपकी टीम क्या रहेगी? आपको पता है भारत की टीम में एक चेंजेस हुआ है, केवल अक्षर पटेल को रिजर्व में डाला गया और उसकी जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में लिया गया है। मैं थोड़ा सा निराश हूँ, किसके लिए? यूजी चहल के लिए। यूजी चहल को टीम में नहीं लिया गया है, हालांकि आपका उनका IPL परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त IPL परफॉर्मेंस रहा है। भारत में केवल एक ही लेग स्पिनर है, राहुल चहर, और राहुल चहर आप जानते हैं उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, मुंबई इंडियंस ने उनको लास्ट के मैचेस भी नहीं खिलाए हैं। तो दोस्तों आपकी टीम क्या रहेगी? मेरे हिसाब से तो KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 3 फिक्स हैं। इसके अलावा 4थे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 5वें नंबर पर मैं ईशान किशन को रखूंगा ऋषभ पंत से पहले, और उसके बाद 6वें नंबर पर आएंगे हार्दिक पांड्या, 7वें नंबर पर आएंगे रविंद्र जडेजा। फिर उसके बाद अब आपको भी पता है 4 बॉलर रखने हैं, मैं कौन कौन हो सकते हैं, बुमराह और भुवनेश्वर तो फिक्स है, इसके अलावा शायद राहुल चहर को मौका दें क्योंकि एक राहुल चहर या वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक खेले, और फिर इसके अलावा एक ऑप्शन और बचता है, वो भी कोई भी हो सकता है, स्पिनर या फास्ट बॉलर में किसी को भी रख सकते हैं। तो आपके क्या ऑप्शन है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों भारत पाकिस्तान का मैच आपको भी पता है कि एक तो इतने समय बाद हो रहा है, 2016 के बाद शायद भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से T20 मैच खेल रहा है, उसके अलावा भारत ने बीच में 2019 में लास्ट मैच खेला था ODI जो कि भारत जीता था, उसके पहले एशिया कप के 2 मैच खेले थे वो जीता था, उसके पहले खेला था ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल जो भारत हारा था। तो पाकिस्तान में तो अभी वही वाला हैंगओवर चढ़ा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी आपको भी पता है कि वो इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं है, आप उनको जब तक 10-20 बार भी हराएंगे तब भी ये वही वाला हैंगओवर रहेगा क्योंकि इतने लंबे समय बाद वो जीते हैं। हालांकि रिकॉर्ड अगर आप देखें भारत का T20 में तो बेहतर है, लेकिन ODI और टेस्ट मैचेस में देखें तो भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं है, और अभी अच्छा हो सकता था लेकिन पाकिस्तान से भारत ने क्रिकेट ही खेलना बंद कर दिया है, लगभग 15 साल से या 10-12 साल से तो बंद है, क्रिकेट नहीं हो रही है इतनी, क्रिकेट बहुत ही कम मैचेस हुए हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंडिया पाकिस्तान के मैच की हाइप क्रिएट होने लगी है, मौका का नया वर्जन आया जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के शायद और भी रिएक्शन आए, हालांकि इस बार मुझे मौका का जो नया वर्जन है वो इतना कुछ अभी पसंद नहीं आया, अभी हो सकता है उसको आगे बढ़ाएं। ये मौका आपको बता दूं स्टार्ट हुआ था शायद, मुझे लगता है 2011 के वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ था अगर मैं सही हूँ, उसके बाद 2015 में भी कंटिन्यू रहा, T20 वर्ल्ड कप में भी लाते रहे, जब से स्टार ने लिया है, स्टार में मतलब ब्रॉडकास्टिंग स्टार कर रहा है तब से ये मौका का वर्जन आया है। तो आपको क्या लगता है मौका का जो नया वर्जन, हालांकि आपको बता दूं मौका में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जीतेगा तो वो तो रोएंगे, लेकिन भारत अगर सेमीफाइनल में हार गया तो फिर उनका मौका वो मतलब आप समझ रहे हो, अब वो पाकिस्तानी है तो वो तो करेंगे, वो तो सेलिब्रेट करेंगे इंडिया की हार, और इंडिया का रिकॉर्ड भी बड़ा ख़राब रहा है 2014 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से अब तक, हम ICC के किसी भी मतलब क्वार्टर फाइनल नॉकआउट्स जितने भी हुए हैं अब कोई भी मैच हम नहीं जीते हैं, आप देख लीजिए कोई भी मैच नहीं जीते, सारे हम हारे हैं ICC के जो भी टूर्नामेंट हुए हैं। तो हो सकता है इस बार अच्छा मौका है, लेकिन आपको भी पता है कि अब मैच होते हैं, कोई भी जीत सकता है T20 वर्ल्ड कप,
तो आपको क्या लगता है, आप अपनी टॉप फोर टीम लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी टीम बताएं, आप किसे देखना चाहेंगे। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी हो लेकिन मैं ऋषभ पंत को अभी फिलहाल ईशान किशन को मतलब चुनूंगा ऋषभ पंत से पहले। अब देखते हैं अब होता क्या है दोस्तों।